मछुआरों को समुद्र में मिला एक ऐसा शिवलिंग जिसको देखकर हर कोई रह गया चकित। इस शिवलिंग की सुंदरता देखकर आप भी रह जाएंगे तक। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों का लगा रहता है तांता। शिवलिंग को छूने मात्र से लोगों के कष्ट हो जाते हैं दूर। शिवलिंग को छूने से लोगों को मिलती है असीम शांति। अभी हाल ही में समुद्र के बीचों बीच मछली पकड़ रहे मछुआरों को कुछ ऐसा मिला कि मछुआरों ने उसको देखते ही दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। कोई इसको देखते ही हाथ जोड़ता तो कोई जल चढ़ाता। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे और इन्हीं का शिवलिंग अभी हाल ही में कुछ मछुआरों को समुद्र की गहराई में मिल गया। लेकिन यह शिवलिंग अन्य शिवलिंग से काफी अलग था। इसकी सुंदरता को देखकर हर कोई चकित रह गया। आज हम आपको इसी के बारे में पूरी खबर सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये शिवलिंग समुद्र के किस कोने में मिला और किसको मिला और इसे देखकर हर कोई चकित क्यों रह गया। हम एक एक कर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। दरअसल ये शिवलिंग गुजरात में कावी के समुद्र तट पर मिला है। इस शिवलिंग के मिलने के बाद भरूच और आसपास के जिलों से लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कावी गांव के लोग इस शिवलिंग का भव्य मंदिर बनाने की बात भी कह रहे हैं। भरूच जिले के जंबुसर तहसील के कावी गांव में मछुआरों को मिला शिवलिंग गुजरात समेत पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। कावी के देवी पूजक समुदाय के लोग जो पेशे से मछुआरे हैं वो 7 तारीख को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। इसी दौरान मछुआरों के जाल में एक शिवलिंग फंस गया जिसका वीडियो भी वहीं पर उपस्थित किसी ने बना लिया। फिलहाल समुद्र के नीचे तट से 185 किलोमीटर दूर मिले इस शिवलिंग को कावी गांव के प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान किया गया जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और शिवलिंग को जल दूध चैत से स्नान करवा रहे हैं। जिन मछुआरों को ये शिवलिंग मिला उन्होंने बताया कि शुरुआत में हमें ड्रम जैसा लगा। 2 लोगों ने इसे खींचने की कोशिश की मगर वो नहीं खींच पाए। लेकिन फिर 10-12 लोगों ने कोशिश की लेकिन इतने सारे लोग भी इसे हिला नहीं पाए। हमने ध्यान से देखा तो मालूम चला कि अंदर शेष नाग का आसन और मूर्ति है, इसलिए हमने बीच समुद्र में भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप किया। इस शिवलिंग को समुद्र से बाहर निकालने वालों ने आगे बताया कि हमने भगवान का स्मरण कर उनकी स्थापना करने का निर्णय लिया, इसके बाद हम शिवलिंग को उठाने में सफल हो सके। वर्तमान में ये शिवलिंग कावी गांव के प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर में रखा है। देखने वालों का कहना है कि ये शिवलिंग अद्भुत है और अलौकिक लगता है। इसके स्पर्श से मन को शांति मिलती है। शिवलिंग के अंदर नाग देवता और अन्य मूर्तियों का स्थान है जो चांदी की तरह चमकता है। इस शिवलिंग को देखने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि शिवलिंग पर बने निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि या तो इसे तोड़ने की कोशिश की है या फिर ये समुद्र में किसी चीज से टकरा गया होगा। समुद्र से ये शिवलिंग प्राप्त करने वाले देवी पूजक समाज के लोगों ने मांग की है कि इस शिवलिंग को कमलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किया जाए। जिसको ये शिवलिंग सबसे पहले मिला वो परिवार वाघेला परिवार है। इसी वाघेला परिवार की बेटी प्रियंका ने कहा, हर दिन पिता मछली लाते थे, 2 दिन पहले वो शिवलिंग लेकर आए। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान को हम ला पाए। जब से शिवलिंग आया है तब से हम इसे ही देखते हैं, ये दिव्य शिवलिंग है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।